हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज हम बताएंगे 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो बने रहिए इस चैनल पे, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूले, ताकि सबसे पहला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तो देखिए हम कैसे 5 नंबर बनाते हैं, ठीक है। और ये बिहार बोर्ड में पूछा भी जाएगा, ठीक है। तो और इसको नोट कीजिए अच्छा से और अच्छा से बनाइए। देखिए हम कैसे बनाते हैं, पूरा शॉर्टकट विधि हम बनाते हैं। तो देखिए कैसे हम बनाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ एक आयताकार बाघ जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। तो 4 मीटर अधिक है, तो हम कैसे उसको ज्ञात करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल पे, ठीक है। तो कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाघ की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो बाघ की विमाएं ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो विमाएं ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको लिखना है यहाँ पे, हल माना के आयताकार बाघ की चौड़ाई x मीटर है, ठीक है। तो हम मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अर्ध अर्ध परिमाप बराबर, तो था एल प्लस बी, इसको मानते हैं लंबाई, इसको मानते हैं चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई है, ठीक है, 4 मीटर अधिक। तो यहाँ पे लिखेंगे 36 बराबर लंबाई एक्स प्लस, ठीक है, एक्स प्लस 4 प्लस x, ठीक है। तो ये आपका लंबाई है, ठीक है, x प्लस 4 लंबाई हो गया, ठीक है। तो 36 बराबर, ठीक है, ये आपका 4 जो है इधर आ जाएगा, ठीक है, बराबर x जोड़ x, तो 2x हो गया, ठीक है। x जोड़ x, x में एक छिपा हुआ रहता है, इसलिए x जोड़ x तो 2x, ठीक है, घट के हो जाओ 36 में से 4 गया, तो हो गया आपका 32 बराबर आपका हो गया 2x, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 32/2, 2 × 2 = 16, 32। तो x बराबर आपका हो जाएगा 16, ठीक है, ये रहा आपका, ठीक है। अब हम दूसरा निकालते हैं, आपका चौड़ाई निकल गया, अब लंबाई निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ लंबाई बराबर x प्लस 4, x का मान क्या निकाले अभी हम, 16, तो 16 + 4, ठीक है। तो ये आपका ये रहा 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अतः चौड़ाई बराबर 16 मीटर, लंबाई बराबर 20 मीटर। तो इसको आप जो है नोट कर लीजिए, और आपको एग्जाम में शायद पूछा भी जाएगा, और इसको नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए आप। ये अब चलते हैं 6 नंबर में, ठीक है। तो 6 नंबर कैसे बनेगा, तो उसको हम कैसे बनाते हैं, प्रतिच्छेद करती रेखा इसमें बोला है, ठीक है। 6 नंबर का 3.2 का है 6 नंबर। तो एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामिति निरूपण, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, संपाती रेखाएं या प्रतिच्छेद करती रेखाएं, ठीक है। तो हमको कौन सा प्रतिच्छेद करना है और कौन सा नहीं करना और कैसे होगा, तो वो हम अभी बताते हैं। तो छोड़ के इसको मत जाइएगा इस वीडियो को, ठीक है, और इसको पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक समीकरण दिया हुआ, एक समीकरण हमको ऐसा लेना है जो हमको इससे मेल हो जाए और अच्छा से कट भी सके, ठीक है। तो देखिए कैसे लेना है। तो 2x यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, हल 2x + 3y - 8 = 0, ये आपका पहला समीकरण है। दूसरा है, हम ले लेते हैं यहाँ पे 3x + 2y - 12 = 0 समीकरण 2, ठीक है। तो हम इसको हम बैठा सकते हैं, यहाँ पे बोला दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म में ज्यामिति निरूपण में हो सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं a1 =
पहले वाला वीडियो में आपको बता दिए थे ए वन वाला ये सूत्र सब बैठाने के लिए। तो ए वन बराबर टू हो जाएगा, बी वन बराबर आपका हो जाएगा थ्री, सी वन बराबर हो जाएगा आठ, ठीक है। तो ए टू बराबर हो जाएगा थ्री, बी टू बराबर हो जाएगा यहाँ पे टू, सी टू बराबर हो जाएगा आपका 12। माने वन माइनस माइनस सात तो कट गया सब, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2/3, ठीक है, और 3/2, ठीक है। तो इसको हम कटा सकते हैं बराबर दे के ऐसे 8/12। तो 2 चौके 8, 3 चौके 12, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3, तो 2/3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम प्रति छेद करती रेखाएं, ठीक है, और संगत भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बराबर में है सब, ठीक है। इसको फटाफट उतार लीजिए और आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है क्योंकि वीवीआई क्वेश्चन है, और आप वीवीआई कर लीजिए इसको, ठीक है।